मैं डॉक्टर नागेश हूँ। आज स्वच्छ अभियान के लिए हम यहाँ तालाब को साफ करने आए हैं, और आप लोग यदि विजिट करते हैं यहाँ, इस समय प्लास्टिक वेस्ट यहाँ बिल्कुल फेंकना नहीं, उसको ध्यान रखते हुए आप लोग इसका स्वच्छता को ध्यान पे रखेंगे। गड़िया पहाड़, मतलब यहाँ पे साफ सफाई का योजना चल रहा है, तो मुझे आज फर्स्ट टाइम मौका मिला कि यहाँ इस अभियान में भाग लेने का, तो मैं यहाँ पे इस साफ सफाई अभियान में भाग लेने के लिए आई हूँ। सभी कांकेर वासियों से मेरी अपील है कि हमारी जो कांकेर की शान है, इस शान को हमारी शान समझ के यहाँ पे जब भी आए तो कचरा गंदगी ना करें। अगर कुछ आप लेके भी आते हो खाने पीने के लिए, तो यूज़ करने के बाद वो कचरे को डस्टबिन में डाके। शहर की समाज सेवी संस्था यूट्यूब में है ना आपका, सेवी संस्था निरंतर गड़िया पहाड़ को लेकर चिंतित है कि यहाँ गंदगी बहुत है। और आज हमने सुनहरी रुपई विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर इस क्षेत्र की है, और यहाँ गंदगी देखकर ऐसा लगा कि वास्तव में हम बहुत पीछे हैं। और यहाँ हमारा एक निवेदन है कि जो पर्यटक या जो दर्शनार्थी जो आते हैं, वो कम से कम गंदगी ना करें। तरह इस सप्ताह भी हम स्वच्छता अभियान निभाने गड़िया पहाड़ के ऊपर सुनहरी रुपई तालाब के पास आए हैं। यहाँ पर बहुत सी प्लास्टिक की बॉटलें, झिल्लियाँ थी, जिन्हें हमने हटाया। अभी पूरा तालाब स्वच्छ हो गया है। मेरा कांकेर के वासियों से निवेदन है कि यहाँ कृपया गंदगी ना फैलाएं। धन्यवाद। प्रति सप्ताह की तरह आज हम लोग स्वच्छता अभियान करने के लिए गड़िया पहाड़ के सुनहरी रुपई तालाब के पास आए हैं, और सारे मेरे मित्र लोग हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धा